हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल किम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के सबसे खूबसूरत जगह जोमटियन एरिया में, और जोमटियन की सोई 5 में हूं एग्जैक्ट मैं। और यहां पर मैं आज आया था, यहां पर जो एक इमिग्रेशन ऑफिस है जहाँ पर आपको वीज़ा से रिलेटेड हर काम के लिए आना पड़ता है यहाँ पर पत्या के अंदर, तो यार यहाँ पर आया था मैं एक छोटे से काम से, तो सोचा कि चलिए आज जो एक ये ऑफिस है ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पर किस की तरह के वीज़ाज होते हैं और किस तरह से आप लोग वीज़ा आप लोग ले सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल है वो आज आपके साथ शेयर की जाए। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों के यहाँ पर सवाल होते हैं कि बाबा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो किस तरह से मिलता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यार इसके लिए मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स किए हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आया था, सोचा चलिए एक बार फिर से जो इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों के साथ शेयर की जाए, शायद फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी भाई के काम ज़रूर आ जाए। तो यार ये है जोमटियन का सोई 5, और सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो सामने यहाँ पर है जोमटियन बीच, और इसी सोई के अंदर, सोई 5 के अंदर है यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस। तो अगर आप लोग सामने देख पा रहे हैं तो आपको कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, और ऊपर अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इट्स चौनबुरी इमिग्रेशन। तो यार ये है चौनबुरी का इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पर वीज़ा से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आपको आना पड़ता है अगर आप लोग पत्या के अंदर हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आज यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ दिखेगी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए आपको दिखेंगे। तो एक अच्छी खासी भीड़ है आज यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस में, क्योंकि यार एक लॉन्ग वीकेंड था यहाँ पर, 3 दिन से ये ऑफिस बंद था, सैटरडे था, फिर संडे, और उसके बाद मंडे को यहाँ पर एक हॉलीडे था, जो एक सरकारी छुट्टी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर थाईलैंड के अंदर। तो फिलहाल आप लोग जितने भी यहाँ पर जो ये लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये एक स्पेशल जो एक वीज़ा यहाँ पर थाई गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो एक कोविड वीज़ा जिसको नाम दिया है। तो फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो आप 80-90% जो लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये आए हैं उस स्पेशल वीज़ा के लिए। यार आज से 5-6 महीने पहले की अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक स्पेशल वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया था कोविड वीज़ा। और ये वीज़ा उन लोगों के लिए था जो यहाँ पर पत्या के अंदर रह रहे थे, जो लोग अपनी कंट्री नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज पहले आपको मालूम होता है यार आज से कुछ महीने पहले जो फ्लाइट्स थी वो पूरी तरह से बंद थी। और इसके अलावा यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके पास में वर्क वीज़ा था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि लगभग 2 साल से यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं था, तो लोगों के पास जो वर्क वीज़ा है, जो वर्क परमिट है, उसको रिन्यू कराने के लिए इनफ पैसा नहीं होता था। तो यार इट्स अ काइंड ऑफ एक बहुत सस्ते, आप लोग कह सकते हैं बहुत कम पैसे में, और एक लंबे टाइम के लिए यहाँ पर ये वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया था। और लगभग इस वीज़ा की जो फीस है वो है 1900 baht, 1900 baht, और 1900 baht में यहाँ पर थाई गवर्नमेंट 2 महीने के लिए यहाँ पर वीज़ा दे रही थी, लाइक जिसको यहाँ पर नाम दिया गया कोविड वीज़ा। तो लोगों के पास क्या यार, आप पिछले 5-6 महीने से कोविड वीज़ा है और हर 2 महीने के बाद वो लोग यहाँ पर आते हैं उस वीज़ा को रिन्यू करने के लिए। तो यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन था ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर पत्या के अंदर लॉन्ग स्टे करना चाहते थे, और जिनके पास जो पैसा था वो कम था, उन लोगों के पास यहाँ पर रोज़गार नहीं था, काम नहीं था। तो यार एक अच्छी चीज़ है, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं रिटायरमेंट वीज़ा पे, तो रिटायरमेंट वीज़ा भी यहाँ पर रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आप लोग देखें तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर आपको बहुत सारे एजेड लोग दिखेंगे, तो जो एजेड लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनका रिटायरमेंट वीज़ा रिन्यू कराने के लिए। तो यार मैं तो यहाँ पर आया था अपने एक छोटे से काम से, और मुझे यहाँ पर मिल गए अपने एक भाई, ये हैं इजहार खान, जिनको थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से मिलवाया था, जो एक ब्यूटीफुल से कॉन्डो में यहाँ पर रह रहे थे, बेस कॉन्डो में। तो ये बैंकॉक चले गए थे, लेकिन फिर ये किसी काम से यहाँ पर पत्या आए हैं। और अभी आप यहाँ पर इमिग्रेशन में? हाँ, तो मैं आया था कोविड वीज़ा लेने के लिए एक्सटेंशन। अच्छा। तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड वीज़ा का जो लाइक जो फीस है इजहार भाई, वो कितना है यहाँ पर? 1900 baht, 1900 baht जो मैंने आपको बताया कि यार एक
कोविड वीज़ा है जो यहाँ पर 2 महीने का मिलता है। तो पहले आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो आप 1900 बाद देंगे तो आपके पासपोर्ट पे 1 महीने का वीज़ा लगेगा और 1 महीने के बाद वो अपने आप रिन्यू हो जाएगा। तो यार 2 महीने के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 1900 बाद का वीज़ा। वो इज़हार भाई, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि यहाँ पर अभी लीकर जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, राइट? जी जी। तो जो माहौल है पता है, आपको पता है कि थोड़ा सा चेंज हो गया, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर रोड पे दिख रहे हैं। तो यार जो माहौल अभी चेंज हुआ है, आप अगर अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा शेयर करें। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिन पे लीकर अलाउड है, लाइव बैंड भी है, और मतलब थोड़ा सा समझिए कि काफ़ी हैपनिंग सा होता जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर आने का वर्थिट है। अभी आप आएँ, मतलब इतना वर्थिट भी नहीं है लेकिन ठीक है, आप इन्जॉय कर पाएंगे यहाँ पर। मतलब जो पता है कि जो लाइफ हुआ करती थी पहले, उस लाइफ का थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हैं। हाँ करीब, मतलब जो कुछ एक नाइट लाइफ थी वो यहाँ पर वापस आ गई। आप इन्जॉय कर पाएंगे, आराम से अच्छा इन्जॉय कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। बीच पे भी काफ़ी पब्लिक है और सब कुछ है। चलिए बढ़िया, आप जाइए इज़हार भाई, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो फिर मुलाकात होगी आप जरूर। ओके सर, ओके जी, थैंक यू इज़हार भाई। तो ये थे अपने साथ में इज़हार खान, जो है अपनी फैमिली के एक मेंबर, और कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे पत्या में, और काफ़ी टाइम इन्होंने बैंकॉक में भी स्पेंड किया। एक बार वापस ये बैंकॉक चले गए थे, और बैंकॉक जाने के बाद एक बार फिर से पत्या में आ गए, क्योंकि पत्या में जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कम हुई है। मैंने आपको बताया कि यार माहौल काफ़ी बदल गया है, तो यार पत्या के अंदर अभी इन्जॉय करने के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बढ़ गए। और वैसे भी अगर आप लोग खूबसूरती की बात करें तो पत्या जैसा खूबसूरत शहर शायद आपको दूसरा थाईलैंड में नहीं मिलेगा। तो शायद इसीलिए टूरिस्ट के बीच में जो पत्या है थाईलैंड के अंदर, वो उनकी पहली चॉइस है यहाँ पर लॉन्ग स्टे करने के लिए, यहाँ पर एक अच्छी आप लोग कह सकते हैं लाइफ बिताने के लिए। तो यार इसीलिए अगर आपने देखा हो यहाँ पर जो इमिग्रेशन में काफ़ी सारे लोग थे जो यार यहाँ पर कोविड के वीज़ा के लिए खड़े हुए थे, और काफ़ी सारे लोग जो रिटायरमेंट वीज़ा के लिए खड़े थे। तो यार रिटायरमेंट के बाद अगर आप लोग बोले तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो जो लोग एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं वो है पत्या सिटी उनकी पहली चॉइस, क्योंकि पत्या का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है पत्या का एटमोसफेयर, पत्या का मौसम। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ अगर आप लोग बात करें तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, या फिर आप बात करें यार इसके अलावा जो अमेरिका की बात करें, आप लोग यूके की बात करें, आप लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यार जो वेदर है वहाँ पर इस टाइम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो जो ठंड का ये टाइम होता है, इसके जो 6 महीने होते हैं, तो ये लोग 6 महीने पत्या में बिताना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है, वॉज वेरी प्लेजेंट, एक बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर हर किसी के लिए। और इसके अलावा अब अपने लोग बात करते हैं वीज़ा की, यार मेरे बहुत सारे भाइयों के ये सवाल होते हैं कि बाबा लॉन्ग टर्म वीज़ा कैसे मिलता है, किस तरह से हम लोग वर्क वीज़ा ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग पत्या के अंदर या थाईलैंड के अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार हर चीज़ के लिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर शादी करके वेडिंग का लाइक जो मैरिज वीज़ा है वो लेना चाहते हैं, आपकी यहाँ पर फैमिली है, मान लीजिए आपकी शादी होती है यहाँ पर, आपका बेबी है, तो आप बेबी वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आप रिटायरमेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो यार कोई भी वीज़ा अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यहाँ पर स्टिकर वीज़ा। ये एक टूरिस्ट वीज़ा है जो आपको मिलता है इंडिया से ही, आप लोग को थाई एम्बेसी में ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 90 डेज का एक वीज़ा होता है, इस 90 दिन के अंदर आप कभी भी थाईलैंड के अंदर एक बार ट्रैवल कर सकते हैं मैक्सिमम 60 दिन के लिए। तो यार उसी स्टिकर वीज़ा पे उसी 60 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर मान लीजिए आप अपनी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर होटल लेना चाहते हैं, गेस्ट हाउस लेना चाहते हैं, आप लोग रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप लोग ट्रैवल का कंपनी ओपन करना चाहते हैं, आप कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसी 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ता है, उसके बाद जो ये स्टिकर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक नॉन बी वीज़ा। तो नॉन बी वीज़ा में आप लोग जो आपका बिजनेस है पूरा सेटल कर सकते हैं, और नॉन बी वीज़ा के बाद में आपको यहाँ पर मिलता है वर्क वीज़ा, जो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको मिलता है वर्क परमिट। तो यार मेरे बहुत सारे भाई इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पर बिजनेस प्लान करते हैं कि यार हम लोग इंडिया में बैठे बैठे वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर आप बिजनेस कर सकते हैं, हमारा वहाँ पर बिजनेस पूरा सेटल हो जाएगा और हम जाकर अपना बिजनेस वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो यार मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर रहिए, और किसी भी तरह का काम स्टार्ट करने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आप लोग
आप मार्केट को देखिए, मार्केट को समझिए, इनफैक्ट कि मार्केट यहाँ पर कैसा चल रहा है। यहाँ पर जो लीगल एजेंसीज हैं, जो लीगल फर्म है, आप लोग उनके पास जाइए, उनसे आप लोग एडवाइस लीजिए कि आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यहाँ पर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है आपको पूरी करनी पड़ेंगी, किस तरह से आपको ऑफिस बिल्ड करना पड़ेगा, किस तरह से आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, और जो वीज़ा का प्रोसेस है, जो वर्क परमिट का प्रोसेस है, जो आपकी कंपनी का प्रोसेस है, वो किस तरह से आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यार तभी आप यहाँ पर आकर आप लोग एक अच्छे तरीके से और एक लीगल तरीके से आप लोग काम कर पाएंगे। और अगर आप लोग बात करें ऑन अराइवल वीज़ा की, तो यार ऑन अराइवल वीज़ा पे आप यहाँ पर आकर किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से जो आपका वीज़ा है आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा के अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि 15 दिन का आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप उस वीज़ा को 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए आप लोग एक्सटेंड करा सकते हैं इसी इमिग्रेशन ऑफिस से, जो मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर सोई 5 जोमटेन में। उसके लिए आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 1900 थाई बात में आपको मिलेगा एक हफ्ते का वीज़ा एक्सटेंशन। अगर आप लोग जो आपका ऑनरेबल वीज़ा है उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक हफ्ता और रुकना चाहते हैं तो आप 1900 बात देखकर यहाँ पर एक हफ्ता और रुक सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल वीज़ा के ऊपर जो फर्दर जो प्रोसेस होता है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा का होता है, वर्क वीज़ा का होता है, या ओ वीज़ा है, या आपका जो मैरिज का जो वीज़ा है, रिटायरमेंट का वीज़ा है, वो इस पे नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरह के वीज़ा के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास यहाँ पर जो स्टिकर वीज़ा होता है, 90 डेज़ का जो टूरिस्ट वीज़ा है। और इसके साथ साथ मेरे काफ़ी सारे भाई ऐसा बोलते हैं कि यार हम लोग अगर स्टिकर वीज़ा लेके आते हैं, मान लीजिए 90 डेज़ का जो वीज़ा है, तो हम वहाँ पर 2 महीना स्टे कर सकते हैं, तो क्या उन 2 महीनों में हम लोग काम कर सकते हैं? तो यार आप लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल इलीगल होगा। अगर आपको मान लीजिए जो यहाँ का जो पुलिस है, जो टूरिस्ट पुलिस है, या फिर इमिग्रेशन, अगर वो आपको काम करते हुए पकड़ लेती है, तो यार एक बड़ा क्राइम हो सकता है और आप लोग उसमें प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। और कुछ मेरे भाई जो मान लीजिए यहाँ पर आकर काम कर रहे थे, जिनके पास में वीज़ा भी था, सब कुछ था, तो यार इस बार जो रूल्स हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। मान लीजिए जिसका वर्क वीज़ा है, उसका वर्क वीज़ा यहाँ पर ख़त्म हो गया और वो आदमी यहाँ पर ओवर स्टे हो जाता है और यहाँ पर काम कर रहा है, मान लीजिए उसका 6 महीना निकल गया, 1 साल 2 साल 3 साल से वो लोग यहाँ पर ओवर स्टे रह रहे हैं, तो यार अभी जो ओवर स्टे का जो यहाँ पर जो फाइन है, पहले यहाँ पर होता था 20,000 बात, तो अभी जो ओवर स्टे का जो फाइन है उसको यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया गया है 40,000 बात। और उसके बाद जब आपको यहाँ से डिपोर्ट करते हैं, जब आपको यहाँ से इंडिया भेजते हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर बढ़ा दी है। तो अभी यार फाइन के साथ साथ वो लोग यहाँ पर आपको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको बैन भी कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर। तो अगर आप लोग यहाँ पर ओवर स्टे में पकड़े जाते हैं, तो यार एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, पैसे के साथ साथ आप वापस थाईलैंड आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके आगे के जो ट्रैवल है, आगे के जो प्लान है, उस पर यहाँ पर लग जाता है। तो यार फ्यूचर में अगर आप लोग भी यहाँ पर आकर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो लीगल रास्ता है, आप लोग लीगल वे से यहाँ पर आइए, एकदम बिल्कुल लीगली सब काम यहाँ पर आकर कराइए। और यहाँ पर आकर अगर आप लोग सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से कीजिएगा। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है और आपको इंडिया से यहाँ पर बुलाती है, तो आप उस कंपनी को बोलिए कि यार प्लीज़ आपके जो पेपर्स हैं आप लोग मुझे यहाँ पर भेज दीजिए। तो आप लोग अगर आपके पास में कंपनी के लीगल पेपर्स होंगे, लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप लोग इंडिया में जो थाई एम्बेसीज़ है वहाँ से आप डायरेक्ट नॉन बी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन बी लेकर जब यहाँ पर आप लोग पहुँचेंगे, तो आपका जो नॉन बी है वो डायरेक्ट यहाँ पर कुछ टाइम के बाद वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक लीगल प्रोसेस है। तो प्लीज़ यार कोशिश कीजिए अगर आप लोग थाईलैंड आना चाहते हैं, क्योंकि यार मेरे मोस्ट ऑफ सभी भाई यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं, यहाँ पर आकर लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत देश है ये थाईलैंड, और एक बहुत ही खूबसूरत शहर है पत्तेया, जहाँ पर यार दुनिया के जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, आप यकीन मानिए कि यार यहाँ से जाने को तैयार नहीं होते हैं। शायद इसीलिए लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, कोई 16 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, तो लोगों ने यार अपनी एक अच्छी खासी उम्र यहाँ पर बिता दी है पत्तेया जैसे खूबसूरत शहर के लिए। तो यार आई होप यार फ्यूचर में आप लोग भी जब भी यहाँ पर आने का प्लान करेंगे लॉन्ग स्टे के लिए, यहाँ पर काम के लिए, तो आप लीगल जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही आएंगे, बिल्कुल लीगल तरीके से आएंगे। तो बस यही थी छोटी सी जानकारी जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आई होप ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी यार।